बच्चों इस पार्ट में अपने क्या है, जब वहाँ राजतंत्र का अंत हो जाता है तो एक समय के लिए वहाँ राजतंत्र का तो अंत होता है लेकिन वहाँ पर राज हो जाता है आतंक का, यानी जो सत्ता थी उसका नियंत्रण जो है वो एक व्यक्ति के हाथ में आ जाता है और वह एक व्यक्ति क्या है जिसका नाम था, जो उस समय उनका नेता हुआ करता था, मैक्सिमिलियन रोब्सपियर, जो उसका नेता था, उसके हाथ में सत्ता आ जाने के बाद क्या है वहाँ फ्रांस के अंदर 1793 से लेकर 1794 तक क्या है आतंक का राज चला। इस प्रकार का वर्णन क्या है वहाँ के रिपोर्टर्स वगैरह करते हैं, उन रिपोर्टर में को भी क्या है बाद में गिलोटिन वगैरह कर दिया गया था, लेकिन इस प्रकार के वर्णन वहाँ पर मिले हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या बताया जाता है कि रोब्सपियर ने क्या है नियंत्रण दंड की नीति अपनाई थी, नियंत्रण एवं दंड की नीति। इसमें नियंत्रण उन लोगों के ऊपर था जो संप्रभुत्व थे या अमीर थे, उन लोगों के ऊपर क्या है नियंत्रण किया गया, साथ ही साथ साधारण जो जनता थी उसके ऊपर भी क्या है नियंत्रण एवं अनुशासन बहुत ही ज़्यादा सख्त रूप से लगाया गया। इसको नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो इस नीति के तहत दंड उन लोगों को दिया जा रहा था जो कुलीन वर्ग के लोग थे या पादरी वर्ग के लोग थे, यानी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे, उनको दंड दिया जा रहा था। इसके अलावा वह लोग जो क्या है दूसरी पार्टी से संबंधित थे या मैक्सिमिलियन रोब्सपियर की उसकी खुद की पार्टी से संबंध थे लेकिन विचारों से असहमत लोग थे, उन सभी को क्या है मरवाया जा रहा था, किसके द्वारा, मैक्सिमिलियन रोब्सपियर के द्वारा। लगातार इस प्रकार का नरसंहार चलता जा रहा था, जिसको भी दोषी पाया जाता था, यानी इस प्रकार के कार्यों में जिसको भी दोषी पाया जाता था या रोब्सपियर को जो कोई भी अपना प्रतिद्वंदी या फिर क्या है विरोधी मिलता था, उन सभी को क्या है मरवाया जा रहा था। मरवाने के लिए भी क्या है उस समय विशेष तरीका था, जो हर्ष राजा का किया गया था वही क्या है हर्ष प्रजा का भी लगातार चला जा रहा था। राजा को क्या है वहाँ के राजा को राजतंत्र का अंत करने के लिए साथ साथ ही 21 जनवरी 1793 को वहाँ के राजा को क्या है मार दिया गया था, ग्लूटिन कर दिया गया था, मौत की सज़ा सुनाई गई थी न्यायालय के द्वारा, और किस आरोप में देशद्रोह के आरोप में क्या है उनको सज़ा सुनाई गई। देशद्रोह का साधारण अर्थ शब्दों में अर्थ देखें तो सीधा निकलता है कि जो क्या है राज्य या देश के से क्या है विश्वासघात करता है वह क्या है देशद्रोही कहलाता है। और जैसा कि क्या है लुई सोलवा ने किया था पर्शा और ऑस्ट्रिया के राजा से मिलकर उन्होंने विद्रोह किया था, देशद्रोह किया था, तो उसको क्या है 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉन्कर्ड में उसको क्या है मार दिया जाता है, प्लेस डी ला कॉन्कर्ड में मार दिया जाता है। और थोड़े समय बाद उसकी पत्नी को भी क्या है मार दिया जाता है। तो यहाँ राजतंत्र का अंत होता है लेकिन
इससे भी भयावह स्थिति जो थी वो अब जनता के सामने थी, और वो जनता के सामने लाने वाला व्यक्ति था रोब्सपियर, मैक्सिमिलियनी रोब्सपियर, जो उस समय उनका नेता था। लेकिन वह लगातार क्या है, इस प्रकार के लोगों को मार रहा था। न केवल वह मार रहा था, क्या है, एक बुरी मौत उनको दी जा रही थी, जिसका तरीका था गिलोटिन करना। उस समय यह बहुत ही फेमस नाम था फ्रांस के अंदर। सभी जो व्यापारी वर्ग के अमीर लोग हुआ करते थे, जिन पे क्या है किसी भी प्रकार का उनको दोषी पाया जाता था, या पादरी या कुलीन वर्ग के जो लोग थे उनको किसी भी स्थिति में दोषी अगर पाया जाता था तो उनको गिलोटिन कर दिया जाता था। गिलोटिन का अर्थ यह है कि सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया जाता था, शरीर से अलग कर दिया जाता था। इसके द्वारा इसका साधारण सा ढांचा इस प्रकार से है एक रस्सी की सहायता से एक आरी लटका कर रखी जाती थी, और इस जगह क्या है किसी व्यक्ति का जिसको भी मारना होता था उसका सर रखा जाता था, और यह ऊपर से आकर क्या है सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इसको गिलोटिन इसलिए कहा जाता था क्योंकि डॉक्टर गिलोटिन ने ही इसका निर्माण करवाया था या इसका आविष्कार किया था। इसके आविष्कार कौन थे, डॉक्टर गिलोटिन थे। तो ये इस प्रकार की प्रक्रिया वहाँ चल रही थी। साथ ही साथ रोब्सपियर ने क्या है सरकार ने क्या है कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों को अधिकतम, मजदूरी की जो कीमतें थी उनको अधिकतम ऊंचाइयों तक या अधिकतम सीमा तक पहुंचा दिया। यानी वह क्या है एक तरीके से मजदूरों को क्या है विशेष अधिकार देना चाहता था, और मजदूरी की जो कीमतें थी मजदूरी की कीमतों में उच्च सीमा तक वृद्धि की, उच्च सीमा तक वृद्धि की। लेकिन इसका फ़ायदा मजदूरों को नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसके साथ साथ ही क्या है प्रत्येक वस्तु की भी क्या है महंगाई बढ़ती गई, उसके साथ साथ ही क्या है प्रत्येक वस्तु की महंगाई बढ़ती गई। इसके अलावा उसने क्या किया, पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। राशनिंग का मतलब है उनको क्या है एक नियंत्रित तरीके से बेचा जाता था, नियंत्रित तरीके से बेचा जाता था, जिसके अंतर्गत सिर्फ सरकार द्वारा निश्चित लोगों को ही वह मिलती थी, और क्या है मात्रा भी क्या है सरकार के द्वारा निश्चित थी। तो एक तो क्या है खाने पीने की चीज़ों पर क्या है नियंत्रण कर लिया गया, साथ ही साथ कीमतों को, मजदूरी की कीमतों को, यानी सिर्फ मजदूरी की नहीं बाकी चीज़ों की कीमतों को भी क्या है मजदूरी व अन्य चीज़ों की कीमतों में क्या है उस सीमा तक वृद्धि की गई, जिसके कारण महंगाई बढ़ गई। इसके अलावा उन्होंने क्या है जो किसान फसल बेचते थे उसकी भी कीमत क्या कर दी गई, सरकार द्वारा तय कर दी गई या तय या निश्चित कर दी गई। और किसानों को क्या है बाध्य किया जाता था कि वो उसी निश्चित कीमत में ही क्या है शहरों में ले जाकर अपनी फसल को बेचें। तो बेचने के लिए भी उनको बाधित किया गया, और उनकी कीमतों को भी क्या कर दिया गया एक सीमा तक तय कर दिया गया, और उसी सीमा के अंतर्गत उनको उस कीमत के अंतर्गत ही क्या है उनको बेचना पड़ता था। इस प्रकार का कानून उन्होंने ला दिया था। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों पर भी कंट्रोल किया गया, महंगे सफ़ेद आटे या अच्छे आटे की यूज़ या उपयोग पर क्या है प्रतिबंध लगा दिया गया कि इस प्रकार का जो सफ़ेद आटा महंगा है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा क्या किया गया, साबुत गेहूं से बनी बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। यानी पहले जो समाज वहाँ का पाव रोटी खाया करता था उनको क्या है समता रोटी
साधारण सी बात है, गेहूं को पीसने के बाद, गेहूं के अनाज को पीसने के बाद जो आटे की रोटी बनाई जाती है उसी को समता रोटी कहते हैं। और इस समता रोटी को क्या बताया गया है, समानता का प्रतीक, समानता का प्रतीक। तो समानता का प्रतीक समझे जाने वाली समता रोटी को खाना अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा यानी उनके खाने पीने की चीज़ों को या उनके रहने सहन के सभी चीज़ों पर नियंत्रण किया गया। इसके अलावा उनके बोल चाल के तरीकों पर भी क्या है, ये रोब्सपियर के द्वारा नियंत्रण बढ़ा दिया गया। अब क्या है, पहले जैसे जो संबोधनात्मक शब्द थे उनका उपयोग करना क्या है बंद कर दिया गया या करवा दिया गया। जैसे महिलाओं के लिए मदाम और मानस्यूर, मानस्यूर इसका अर्थ होता है महोदय, मदाम जिसका अर्थ है महोदया, इनको क्या है अब हटा दिया गया। यानी ये इसको समझा जाता था कि ये विशेष संबोधन संबोधन शब्द हैं जिनका उपयोग अब नहीं करना चाहिए। ये समानता का प्रतीक नहीं मानता था रोब्सपियर। इसके अलावा वो उनको क्या है, सितोयन, सितोयन और सीतो येनी यानी नागरिक और नागरिका, महिलाओं के लिए क्या था, सीतो येनी नागरिका, नागरिका, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, खाने पीने की चीज़ें, बोलचाल की चीज़ें या फिर उसके अलावा जो अन्य चीज़ें बच जाती हैं, जैसे वो किस प्रकार के जो दोषी होंगे वो कानून अलग अलग बना दिए गए, ठीक है। संविधान में जो समानता थी उसकी अलग ही परिभाषा कर दी गई, या फिर जो रोब्सपियर के खिलाफ होता था वह उसको क्या है, ऐसा मानता था कि वो संविधान के विरोध में है और समानता के स्वतंत्रता के विरोध में है, तो वह उसको मरवा देता था। तो इस प्रकार से क्या है, जनता में क्या है एक आतंक के रूप में क्या है वो लगातार समय गुजर रहा था। अब क्या है, चर्चों को भी बंद करवा दिया गया, भवनों या उनके भवनों को क्या कर दिया गया, जो धार्मिक आस्था के केंद्र थे लोगों के, उनको दफ्तर या बैरक के रूप में उपयोग किया जाने लगा चर्चों को, ठीक है। तो धार्मिक जो उनकी आस्था थी उसको भी चोट पहुंचाई गई रोब्सपियर के द्वारा। रोब्सपियर ने अपनी नीतियों को इतना ज़्यादा सख्ती से क्या है लागू कर दिया कि अंततः क्या है 1794 में जुलाई 1794 में क्या है उसको भी क्या है न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया और दोषी के लिए क्या है सज़ा निश्चित कर दी गई थी, क्या थी, गिलोटिन। तो उसी का भी वही हर्ष हुआ, वही हाल हुआ जो उसने क्या है अपने प्रतिद्वंदियों का किया था, अपने दुश्मनों का किया था। उसको अगले ही दिन जुलाई के उस सज़ा सुनाने वाले अगले ही दिन क्या है गिरफ्तार किया गया और गिलोटिन कर दिया गया। और उसके अंत के साथ ही क्या है ये जो आतंक का समय था या आतंक का राज था ये भी नष्ट हुआ। तो इसके इस समय क्या है इसी एक वर्ष के दौरान 1793 से लेकर 1794 के समय भी सिर्फ एक वर्ष में क्या है इतना ज़्यादा बदलाव आ चुका था कि लोगों की भाषा, उनके खाने पीने की चीज़ों में बदलाव, वो सामान या अपनी फसल किस आधार पर बेचेंगे, कितनी कीमत पर बेचेंगे, ठीक है, क्या खरीदेंगे क्या नहीं खरीदेंगे, ये सब कुछ उनको क्या है केंद्रित किया गया। लेकिन जो मैक्स मिने रोब्सपियर की नियंत्रण व दंड की नीति थी वो चल नहीं पाई और 1794 में क्या है उसको मार दिया गया। जैसे ही उसका अंत हुआ अब क्या है फ्रांस में शासन हुआ, डायरेक्टरी शासित फ्रांस हो गया था। अब डायरेक्टरी शासित फ्रांस या जो ये डायरेक्टरी का शासन था इसने क्या है फ्रांस में फिर से राजतंत्र के लिए द्वार खोल दिए थे। हालांकि यह डायरेक्टरी शासन जब तक चला तब तक क्या है राजतंत्र नहीं आया था। इसका
माध्यम क्या था इसके बारे में अपने पढ़ते हैं। जेकोबिन सरकार के पतन के बाद क्या है, मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। अब क्या है, संविधान नया बनाया गया और साथ ही साथ क्या है, संपत्ति विहीन तबके को भी क्या है फिर से क्या है मताधिकार से वंचित कर दिया गया। देखो भी एक चीज़ बताना भूल गया था मैं, जेकोबिन जो सरकार बनी थी अंत तक राज जो था उसके समय क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति में यानी पुरुष को प्रत्येक पुरुष को क्या है मताधिकार का अधिकार दिया गया था। लेकिन अब क्या किया गया, दोबारा से जब सत्ता जो है वो साधन संपन्न लोगों के पास आई, साधन संपन्न लोगों के पास आई तो उन्होंने फिर से मताधिकार जो है सिर्फ एक विशेष स्थिति वाले पुरुषों को दे दिया। यानी मताधिकार का अधिकार जो जेकोबियन सरकार ने सभी को दिया था वो डायरेक्टरी शासन आने के साथ साथ ही क्या है नए संविधान के तहत हटा दिया गया। और जो मताधिकार का अधिकार था वो मात्र सिर्फ विशेष वर्ग के लोगों को ही दिया गया। इस विधान में चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका को नियुक्त किया। यानी पहले क्या था सिस्टम, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। अब क्या है, न्यायपालिका में तो न्यायाधीश बैठेगा ही, जिसको चुनने का सिस्टम चला आ रहा था न्यायाधीश। लेकिन कार्यपालिका की जगह अब सिस्टम आ गया था डायरेक्टरी का। जो कार्यपालिका में पहले सम्राट और उसके मंत्री कार्य किया करते थे, यानी कार्य को संचालित किया करते थे, जो कार्य विधायिका उनको सौंपती थी, वो शासन अब क्या है हट गया। अब क्या है, डायरेक्टरी का सिस्टम आ चुका था। और डायरेक्टरी के सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था कि उनके लिए 5 सदस्य निश्चित कर दिए गए, 5 सदस्य निश्चित कर दिए गए। जैसे आज कार्यपालिका के का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है, वैसे उनके लिए पहले सम्राट था और मंत्री थे, लेकिन अब क्या है 5 सदस्य कार्यपालिका के लिए निश्चित कर दिए गए और उनके अंतर्गत क्या है मंत्री कार्य करेंगे। विधायिका क्या है विधान परिषद का रूप ले लेती है, नेशनल असेंबली को मैंने बताया था पहले ही चेंज करके क्या नाम दे दिया गया था, कन्वेंशन नाम दे दिया गया था जो संविधान का निर्माण करने वाली थी। चुनाव का जो तरीका था वो फिर से दोबारा संविधान को बदल कर चेंज कर दिया गया था, सिर्फ क्या है विशेष स्थिति के लोग ही वोटिंग कर सकते थे, वोट डाल सकते थे, ठीक है। और वही सेम सिस्टम रहेगा, पहले निर्वाचकों को चुना जाएगा, उसके बाद निर्वाचक क्या है कन्वेंशन के सदस्यों को चुनेंगे और कन्वेंशन के सदस्य मिलकर क्या है विधान परिषद का निर्माण करेंगे और विधान परिषद के सदस्य क्या है इन 5 सदस्यों को चुनेंगे जो किसके होंगे डायरेक्टरी के क्या है प्रमुख होंगे, डायरेक्टरी के क्या होंगे प्रमुख। अब क्या है ये सिस्टम तो इन्होंने बना दिया, फिर से राजा को हटाकर डायरेक्टरी को रख दिया। अब सिर्फ एक व्यक्ति जो पहले कार्यपालिका के रूप में एक व्यक्ति कार्य कर रहा था, विधान परिषद का भी मुखिया वही बन गया था रोब्सपियर, उसको हटा दिया गया, उसको मार दिया गया और उसकी जगह शासन किसका आया डायरेक्टरी का, जिसमें 5 सदस्य और उसके मंत्री क्या है शासन का संचालन करते थे। लेकिन क्या है डायरेक्टरों में यानी ये जो 5 सदस्य थे इनको क्या कहा जाता है डायरेक्टर। ये डायरेक्टरों में क्या है लगातार झगड़ा चलता रहता था और इनके झगड़े का फायदा उठाने का प्रयास कौन करते रहते थे, विधान परिषद के लोग। और साथ ही साथ वो विधान परिषद के लोग आपस में भी क्या है उनका मतभेद था और वो लगातार क्या है किसी भी चुने हुए 5 डायरेक्टरों को हमेशा क्या है हटाने का प्रयास करते रहते थे, अपने हिसाब से क्या है डायरेक्टर को वो लागू करना चाहते थे या फिर वो पूरे तरीके से क्या है राजनीतिक जो
पावर थी वो अपने हाथ में रखना चाहते थे। तो अब क्या होता है, डायरेक्टरी की इस राजनीतिक अस्थिरता, यानी ये जो डायरेक्टर हैं वो विधान परिषद से संभाले नहीं जा रहे हैं, ना ही विधान परिषद क्या है इनको संभालना चाहती है। यह जो राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है यहाँ पर फ्रांस में, राजनीतिक अस्थिरता, अस्थिरता का मतलब हो गया कोई विशेष स्थिति नहीं है स्थिर, कोई विशेष शासक नहीं है जो इसको क्या है कंट्रोल कर सके। इस राजनीतिक अस्थिरता के बनने के कारण आगे जाकर क्या है नेपोलियन बोनापार्ट के लिए, नेपोलियन बोनापार्ट के लिए शासन करने का मार्ग प्रशस्त करती है, क्योंकि यह नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है, सैनिक तानाशाह है, सैनिक तानाशाह है के द्वारा क्या बनता है, शासक बनता है। और नेपोलियन बोनापार्ट जब शासक बनता है तो शुरुआत में तो यह है क्या है, शुरुआत में या प्रारंभ में तो क्या है, लोगों को स्वतंत्रता का दूत, स्वतंत्रता का दूत प्रतीत होता है, उनको लिए अपने देवता की सम्मान वो उनको लोगों को लगता है। लेकिन बाद में क्या है लोग इसका विरोध करने लग जाते हैं, और अंत में क्या है वाटरलू के युद्ध में, वाटरलू के युद्ध में क्या है इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो नेपोलियन बोनापार्ट था वह एक तरह से अपने आप को क्या है यहाँ के लोगों के लिए स्वयं को क्या है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली मानता था। अब क्या है सरकार के स्वरूपों में इन परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत, समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे थे, हालांकि राजनीतिक अस्थिरता लगातार बनी रही। नेपोलियन बोनापार्ट थोड़े समय बाद, यानी अभी तो समय 1794 का था, नेपोलियन बोनापार्ट शासन करने का लिए 1799 की तकरीबन 98-99 की तकरीबन वो क्या है शासन करने के लिए पहुंचता है। ये 4-5 जो राजनीतिक अस्थिरता बनी रहेगी इसमें भी क्या है बंधुता उप्रेरक तत्व जो थे वो उसमें भी क्या है लगातार विद्यमान थे। नेक्स्ट अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या है यूरोप के ही नक्शे को बदल दिया था, न केवल फ्रांस के। तो पहले क्या है ये जो कुछ छोटे पॉइंट रह जाते हैं उस समय के, उनके बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार का कार्य उनके साथ किया गया था। सबसे पहले है महिला क्रांति। महिला क्रांति के अंतर्गत क्या है जो फ्रांस की महिलाएं थी, फ्रांसीसी महिलाएं एक तरह से सबसे शोषित हिस्सा था, भाग था समाज का, भाग समाज का था, इनका शोषण सबसे ज़्यादा हो रहा था। यानी कार्य जो था वो ये पुरुषों से ज़्यादा कर रही थी, लेकिन इनको अधिकार के नाम पर क्या है पुरुषों के 10% हिस्से को भी नहीं दिया गया था। अधिकांश जो तीसरे स्टेट की महिलाएं थी, थर्ड स्टेट की जो महिलाएं थी वो क्या है अपनी आजीविका के लिए कार्य किया करती थी, आजीविका के लिए कार्य किया करती थी, जिसके अंतर्गत क्या है सिलाई करना या बुनाई करना, कपड़ों की धुलाई करना, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचना, संपन्न घरों में क्या है घरेलू कार्य करना, ये क्या है सारे कार्य जो थे उनके द्वारा किए जाते थे, ताकि वो क्या है अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, परिवार के भरण पोषण के लिए, पोषण के लिए सिलाई बुनाई, दूसरों के यहाँ कपड़े धोना धोना, साधन संपन्न लोगों के यहाँ साधन संपन्न, या बड़े व्यापारी बड़े व्यापारियों के यहाँ काम करना, उनके घर का कार्य करके आना, या फिर फल फूल सब्जियाँ इत्यादि बेचना क्या है उनका कार्य होता था।
तो इस प्रकार से क्या है, वो शुरुआत से अपने जीवन के शुरुआत से इस प्रकार के कार्य करना शुरू हो जाती थी। ऐसा बताते हैं कि उस समाज में क्या है, वेश्यावृत्ति भी महिलाओं के अंतर्गत बढ़ी हुई थी, यानी महिलाएं इस प्रकार के कार्य भी उस समय अपनी आजीविका हेतु कर रही थी। यानी कहने का अर्थ ये था कि महिलाओं की स्थिति जो थी वो समाज में सबसे ज़्यादा निम्न थी, सबसे ज़्यादा निम्न स्थिति थी। यानी उनको क्या है, अपनी जीवन जीने के लिए इस प्रकार के गलत से गलत या छोटे से छोटे कार्य को या बुरे से बुरे कार्य को क्या है उनको करना पड़ रहा था। इसके अलावा जो उनके शिक्षा का स्तर था वो तो ना के बराबर ही था। यानी उस समय फ्रांस में महिलाओं की शिक्षा हेतु किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई थी। ये बात कब की आ रही है, 1971 की, उससे लेकर 1793 तक क्या क्या बदलाव हुए हैं महिलाओं की स्थिति में वो बताए जा रहे हैं। जब महिलाएं क्लब वगैरह में क्लब बनाकर क्या है अपने राजनीतिक अधिकारों के बारे में मांग करना शुरू करती है, अपने जो घरेलू अधिकार है या फिर आजीविका के लिए उनको जो श्रम के रूप में क्या है कम मजदूरी मिलती है, उन सभी चीज़ों का विरोध करने के लिए उन्होंने क्लब बनाए और इस प्रकार के विरोधी हड़तालें वगैरह उन्होंने की। तो उसके बारे में बताया जा रहा है इन 2 सालों के मध्य वो, और उसके बाद किस प्रकार से वो लगातार संघर्ष करती है, वो महिलाओं की क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या है, शिक्षा की बात कर रहे थे अपने कि इस प्रकार के कार्य वो लगातार करती जा रही थी। और जो थर्ड स्टेट की लोग महिलाएं थी या बच्चियां थी, जो भी छोटी बच्ची, तो उनको क्या है शिक्षा का कोई स्रोत नहीं था, सिर्फ उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग या साधन संपन्न लोग ही क्या है, लोगों की लड़कियां ही शिक्षा प्राप्त कर पा रही थी, वो भी क्या है कॉन्वेंट वर्ड के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, धार्मिक शिक्षा का स्थान। तो कॉन्वेंट के अंदर उन सिर्फ साधन संपन्न वर्ग के महिलाओं को ही क्या है शिक्षा दी जाती थी और बाद में उनकी शादी कर दी जाती थी। यानी उनको क्या है आगे बढ़ने का, किसी भी प्रकार के राजनीतिक पद, सेना, प्रशासनिक पद के अंतर्गत है, उनको किसी भी प्रकार का सम्मान या किसी भी प्रकार का भाग या उनका हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था। यानी वो क्या है एक प्रकार से फ्रांस की सत्ता में न्याय के बारे बराबर हिस्सेदारी थी। सबसे ज़रूरी बात, उनके पास मताधिकार भी नहीं था, चाहे वो किसी भी वर्ग की महिला हो, चाहे वो उच्च वर्ग की हो, चाहे निम्न वर्ग की महिला हो, मताधिकार भी नहीं था। यानी सबसे ज़रूरी अधिकार जो उनको होना चाहिए था वो अधिकार भी उनको नहीं था, ना ही राजनीतिक पद के अंतर्गत उनको हिस्सेदारी मिलती थी। इसके अलावा वो क्या है, जो महिलाएं थी वो घर का कार्य भी किया करती थी, सभी अपने बच्चों का भरण पोषण करना, पालना वगैरह वगैरह, उनको खाना रोटी पाव रोटी की लाइन में लगकर रोटी लेकर आना, ये सारे कार्य क्या है उनके द्वारा किए जाते थे। लेकिन फिर भी क्या है उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था। उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए जो है महिलाएं क्या क्या करती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में क्या है अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। और यहाँ तक क्या है, हमने उनकी जो समाज में बुरी स्थिति है
और उस बुरी स्थिति से वो बाहर किस प्रकार से पहुंचती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अंतकराज, डायरेक्टरी शासन और महिलाओं की स्थिति के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में क्या है, दास प्रथा का उन्मूलन और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में और जो भी बाकी आपका चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।